हेलो टेस्टिंग सही है पीछे। हेलो टेस्टिंग आवाज आ रही है पीछे तक आपको आवाज आ रही है। टेस्टिंग 1 2 3। हेलो आवाज आ रही है। ओके बेसिकली हमारे पास नीचे भी अरेंजमेंट है, ऑलमोस्ट 40 लोगों का नीचे है, वो वीडियो लिंक के साथ देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी यहाँ पे लिमिटेड थी। सो अगर आप में से कोई मूव करना चाहे नीचे और वहाँ पे कंफर्टेबली बैठना चाहे तो मूव कर सकता है। थैंक यू, गुड इवनिंग, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको वेलकम करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एकेडमिक एसेसिबल। आई एम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ फाउंडर अनम नवाज, हु इज इन करेंटली इन दुबई। वो अपने एक वर्कशॉप के सिलसिले में गई हुई है। सो जस्ट टू टॉक अबाउट द इनिशिएटिव, फर्स्ट अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। The concept is that we have all kind of things happening in our universities. We have different talks happening, we have courses, we have intellectual discussions happening, but they are confined to the universities or academic institutions. जब हम लोग उनसे बाहर आ जाते हैं then we keep a kind of loose track of that. So the concept is कि हम उन लोगों को जिनके खिदमात हैं who have been doing a lot of work in their respective field, we want to bring them outside those academic institutions and to all of you. अब यहाँ पे आप जिस तरह देख रहे हैं दे आर डिफरेंट एज ग्रुप्स, दे आर डिफरेंट प्रोफेशंस, एंड ऑल ऑफ अस आर हेयर टू नो वाइस नो मोर अबाउट साइंस एंड फ्रॉम डॉक्टर प्रवेश रूपल। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अदर देन दैट देर आर ऑल्सो कोर्सेज ऑफर्ड बाय डबल ए एंड देर इज अ रीडिंग सर्कल एज वेल। सो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल दिस एक्टिविटीज टू ब्रिंग आउट द नॉलेज आउटसाइड फ्रॉम द एकेडेमिक इंस्टीट्यूशन एंड देन आउटसाइड टू द जनरल पब्लिक। फ्यू थिंग्स बिफोर वी स्टार्ट सेशन, प्लीज मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा। दिस इज 45 to 50 minute टॉक बाय आवर वेरी बिलव डॉक्टर प्रवेश रूपल। ही विल टॉकिंग अबाउट वाई साइंस इज जेनिक पाकिस्तान। वी विल बी टेकिंग क्वेश्चन एट द एंड ऑफ सेशन, बट प्लीज कीप दैम रेलिवेंट टू द टॉपिक। और हमारी जो आज यहाँ बात हो रही है उससे अगर मुतालिक हम क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़्यादा हमारी लर्निंग होगी, एंड दैट्स दैट मच बेटर। For this talk and this series, this is the 5th session हमारी जो talk series का, and it has been sponsored by Fulbright and USEFP, and we are also thankful to Dr. Pa for being our venue partner. So without any delay, I would like to welcome Dr. Pervez to come and please give us the session. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया सर। मुझे किसी ने कहा है कि आप मुझे बीच में बोल रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि विच वुड यू प्रेफर, उर्दू या अंग्रेजी? नहीं नहीं मिक्स, वो हमारी अच्छी भी बात है। यस उर्दू में आप क्या चाहें? अच्छा उर्दू के हाथ में कौन और इंग्लिश के हाथ में कौन, आप समझ में नहीं आ रहा? ठीक है देखते हैं इस तरफ होता है। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूं क्योंकि आप अगर तारुफ कराना भूल गए, मैं 45 साल से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ और कुछ परेशान रहा हूँ कि पाकिस्तान में साइंस के निर्धार का शिकार हो चुका है। मैं जब बाहर भी जाना होता है दुनिया की बड़ी तजर्बा गाहों में जहाँ दुनिया जहाँ से लोग आते हैं, लेकिन उधर पाकिस्तानी आपको शाजो नादिर ही नजर आते हैं, नमक के बराबर थोड़ी शर्मिंदगी होती है। मैं वाक्य आपको सुनाता हूँ कि ये 6-7 साल पहले की बात है, यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी सर्न के नाम से जो जिनीवा में है, जिनीवा जो जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस दोनों के नीचे से गुजरती है, 27 किलोमीटर उसका दायरा है, तो उधर हर तरह की साइंस होती, पार्टिकल फिजिक्स होती। तो एक दिन उधर जब सर रहा एक शख्स नजर आया मेरी तरह, जैसे हमारा रंग होता वैसे, तो उसने अपना तारुफ कराया, उसने कहा कि आई वर्क ऑन पार्ट ऑन फिजिक्स एंड माय नेम इज भट्टाचार्य, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा माय नेम इज परवेज एंड आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। ओह आई डिडंट रियलाइज दे डिड फिजिक्स इन पाकिस्तान। मुझे हालांकि मैं कोई कॉम्परस नहीं हूँ, कोई नेशनलस नहीं, लेकिन मेरे एक दिक चोट लगी मुझे कि आखिर ये ऐसा क्यों है। अगर देखा जाए
के फिजिक्स के शोबे में कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको आलमी तौर पर पहचाना जाता है, तो मेरा ख्याल है उनकी तादाद कोई जो जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनकी तादाद 7-8 होगी, चलिए उससे बढ़ाकर आप 10 करते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा। कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अफ्रीका और यूरोप की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप पर फाइज हैं? देखने की मैंने कोशिश की है, नामों से आप पहचान सकते हैं, तो मेरा अंदाजा है कि कोई 20 होंगे या 25 पूरी दुनिया में, 20-25। फिर रियासी के शोबे में आप लीजिए मैथमेटिक्स में, एक भी आपको पाकिस्तानी किसी अमेरिका या यूरोप की यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। इस बात से मुझे थोड़ा सा मसला है, इसके बगैर अगर चल जाए तो अच्छा नहीं, वो मसला तो नहीं हुआ। इसको अगर मैं दूर भी रखूं, इधर भी रखूं तो भी अच्छा। तो ये मसला बड़ा गंभीर है, इससे बहुत तकलीफ होती है। और देखिए ये आजकल नहीं है, ये शुरू दिन से है। और इसको मैं समझना चाह रहा हूँ कि आखिर पाकिस्तान ने साइंस तरक्की क्यों नहीं कर सकी है, क्योंकि इसके बाद ही इसको ठीक करने का कोई रास्ता हमें दिखाई दे सकता है, कोई नुस्खा हमारे सामने आ सकता है। इस वक्त जिस नुस्खे का अमल किया जा रहा है वो ये कि पैसा डालो, यूनिवर्सिटियां बनाओ, लेबोरेटरियां बनाओ, तनख्वाहें बढ़ा दो और इससे मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तो आपको शहर के अंदर या मुल्क के अंदर मवासलाती निजाम को दुरुस्त करना हो तो फिर तो ये ठीक है ना, फिर आप ज्यादा ट्रेन की पटरियां बिछाएं, आप ज्यादा ट्रेनें चलाएं, आप हवाई अड्डे बनाएं, आप बसें चलाएं, जैसे यहाँ ग्रीन लाइन है, रेड लाइन है, ऑरेंज लाइन है, पता नहीं क्या कुछ है, उससे ठीक है, उससे हम अगर आपको सेहत का निजाम ठीक करना है तो फिर आप ज्यादा अस्पताल बनाएं, अस्पताल में आप सामान सारो सामान लगाएं, एक्सरे मशीन लगाएं, सीटी स्कैन लगाएं वगैरह वगैरह, तो इससे आपके अस्पताल बेहतर हो जाते हैं। मगर मसला तब आता है जब तालीम और साइंस की बात आती है, इसलिए कि वहां यह नुस्खा यह तरीका फेल हो जाता है, इसलिए कि इसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक बनता है फिक्र से, सोच से और कल्चर से। तो चलिए हम इस हमें इसके जरा बड़े तनाजुर में देखने की जरूरत है। पहली बात यह कि आज तो हमें साइंस की जाहिर की बड़ी जरूरत है, बड़ी उसकी ख्वाहिश है, उसे हासिल करने की ख्वाहिश है, इसलिए पूरी दुनिया का निजाम जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर चलता है। अब टेक्नोलॉजी देखिए आपने अतराब में जो पूरी हमारी दुनिया है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आए, और हम कहते हैं कि बगैर टेक्नोलॉजी के तो अब तो हमारा जीना ही मुमकिन नहीं, ठीक बात है। मगर इससे कम कि मैं ये रास्ता कुछ किसी प्रधान की तरफ जा सकूं, हमें ये बात सामने रखने की जरूरत है कि साइंस और टेक्नोलॉजी अगरचे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मगर ये एक चीज नहीं है, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। टेक्नोलॉजी वो चीज है जैसे कंप्यूटर है आपके सामने, पंखा है, ये साइंस की पैदावार है,
साइंस के उसूलों पर अमल करते हुए ये सारी चीजें बनाएंगे। आपका आईफोन, आपका कंप्यूटर, आपका हर जो कुछ आप देखते हैं, ये सब साइंस के इतला से बनाए गए। मगर साइंस हो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, ये तर्ज फिक्र है। इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग, इट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड। उस साइंस में आप किसी हकीकत की सच्चाई को यूनिक जानते हैं कि किसने कहा कि ये ठीक है। साइंस में कोई पीर पैगंबर कोई नहीं होता। साइंस में सिर्फ मारूसियत आती है, मारूसियत का दखल है, यानी कि उसमें आप अक्ल और तजर्बे को फौक देते हैं। वो आपकी बुनियाद अक्ल और तजर्बा है। इट इज एम्पिरिकल। अच्छा, ये दो ये फर्क मैंने वाजे कर दिया, टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ साइंस। अब इस सवाल पे हम करेंगे कि साइंस आखिर कहां शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई। इसका कोई एक जवाब नहीं कि साइंस कब शुरू हुई, लेकिन हमें पता है कि 6000 साल पहले बाबुल के जमाने में बेबीलोन, वहां साइंस थी। एक बहुत इब्तदाई किस्म की साइंस थी। उसमें तारों सितारों को देखा गया, उधर फलकियात की शुरुआत हमें दिखाई देती है, उधर एलजेब्रा, उधर कुछ रियाजी, हमें रियाजी की इब्तदाई शक्ल नजर आती है। वहां से फिर हम देखते हैं कि जो कदीम मिस्र का जमाना था, साइंस के कुछ मजर उधर दिखाई देते हैं। जो पिरामिड्स बनाए गए वहां पे, वो बगैर साइंस के नहीं बनाए जा सकते थे। देखिए, इतना सारा पत्थर आपको जमा करना पड़ता है, दूर दूर से ये देखना था कि उस पत्थर की मजबूती कितनी है, कि उधर से इधर कैसे लाया जाए, उसकी मकदार कितनी होगी, उसको इस शक्ल में कैसे लाया जाए, वगैरह वगैरह। और ये कोई बनाना आसान काम नहीं था। दिस इज वाई दिस इज नॉट वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो शुरू के पिरामिड्स थे वो फेल हो गए थे। बाद में सीखते सीखते, साइंस के उसूल जानते जानते, इसको आखिर कामयाबी तक पहुंचाया गया। अगर इंसान की 6000 साल की तारीख इधर 5 मिनट में नहीं बयान कर सकता, मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि चीन कदीम जमाने का चीन, वहां साइंस पनपती है, फैलती है, फूलती है। फिर हिंदुस्तान आती है। हिंदुस्तान में जो हिंदू तहजीब थी, वहां हम फलकिया और रियाजी और तिब के मैदान में देखते हैं कि साइंस में काफी तरक्की की। अच्छा, फिर यूनान का जमाना आता है। यूनान का जमाना जो आज से 2500 साल पहले का, वो जब सवाल पसीर हुए तो उसके बाद मुसलमानों की बारी आई। मुसलमानों ने 4 सदियों पर, 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक वो कमाल दिखाए दुनिया को, जो उससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। वो इल्म के चिराग जब रोशन थे उस जमाने में, वो सिर्फ उन्हीं जब बगदाद में और बगदाद के अतराफ में और हिस्पानिया में, वहां आपको ये बहुत बड़े बड़े साइंसदान मुफक्किर वो उधर होते थे। और ये सब कुछ ऐसे रोशन ख्याल खलीफों के दरबारों में होता था, जैसे कि अल मामून है और हारून रशीद है वगैरह। 4 सदियों तक मुसलमानों ने साइंस का बीड़ा उठाया और बहुत
कमाल लिखा है। फिर उसके बाद साइंस यूरोप की तरफ चलिए, उसका रुख उसकी तरफ हुआ और हम ये देखते हैं कि आज से कोई तकरीबन 400 साल पहले वहां एक साइंसी इंतलाब बढ़ता हुआ था और जो साइंस आज जिससे हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी टेक्नोलॉजी वजूद में आई और जिसकी वजह से मुमकिन हो सका, वो साइंस जदीद साइंस कहलाती है। ये न्यूटन और गैलीलियो के जमाने की साइंस है। दिस इज व्हाट वी कॉल मॉडर्न साइंस। तो मेरा मकसद यहाँ आपको ये सब इस बताने का ये कि साइंस तमाम इंसानों की विरासत है। इट बिलोंग्स टू एवरीवन, इट इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल ह्यूमन हेरिटेज। अच्छा, अब देखना यह है कि यूरोप में जो साइंसी इंकलाब हुआ था वो इतना कामयाब क्यों हुआ और वो फैलते फैलते पूरी दुनिया में कैसे पहुंचा? यूरोप की एक खास बात थी कि वहां वो कि हम कहते हैं कि वो तारीख जमाने तारीख दौर में घिरा हुआ था, लेकिन वहां इंसानी तजस्सुस ह्यूमन क्यूरियोसिटी को बरकरार रखा गया। अब जब गैलीलियो ने दूरबीन इजाद की, दूरबीन से दो चीजें उसने इजाद की, एक दूरबीन और एक खोदबीन जो माइक्रोस्कोप है, ये ऑप्टिक्स का खेल था। अगर आप देखें तो इसके जो बुनियादी उसूल हैं वो इब्नुल हैशम ने वजह किए थे। इब्नुल हैशम की बड़ी अहम किताब है, एक मरकतुल आरा किताब है जिसका नाम है किताबुल मनाज़िर, किताबुल मनाज़िर, और दिस बिकेम द टेक्स्टबुक फॉर ऑप्टिक्स। और इसको पढ़ते हुए रॉजर बेकन ने तजर्बे किए थे और इसकी और ये ऑप्टिक्स का इल्म जो है गैलीलियो तक यूं पहुंचा था, लेकिन गैलीलियो ने इसको किताबों की हद तक नहीं रखा। उसने ऐसे तंत्र से ऐसे लेंसेज बनाए जिससे फिर ये दूरबीनें बनी और कुछ दूरबीनें इतनी ताकतवर थी कि जो चीज दूर थी वो 30 गुना नजदीक आ जाती इससे, जो छोटी सी छोटी चीज को आप देखें वो 300 गुना ज्यादा बड़ी दिखाई देती। जब ये चीज उसने इजाद की तो उससे फिर एक सनसनी फैल गई। हर वहां जो छोटा मोटा शहजादा था वो चाहता था कि वो इस तरह की खुदबीन हासिल करे या दूरबीन हासिल करे, एंड इट बिकेम अ कॉम्पिटिशन टू रन फॉर दीज, टू बाई दीज। फिर ये भी नजर आया कि जिसके पास दूरबीन होगी वो दूर से दुश्मन को आते हुए देख सकेगा, तो इसका एक अस्करी फायदा भी दिखाई दिया। फिर दूरबीनें काफी आम होने लगी। अब मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं वो 1600 कुछ है, यानी कि आज से 500 साल पहले। अब चलिए मैं आता हूं इस बड़े सवीर पे, क्योंकि हम असल में ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में साइंस कमजोर क्यों है। तो मैं इस बड़े सवीर की तरफ आता हूं और ये जमाना था अकबर आजम का और उसके बाद जहांगीर का। तो जब अकबर जब ये अंग्रेज पहुंचे इस बड़े सवीर में तो वो तलवार लेकर नहीं आए थे, ये आपको पता है। उन्होंने उस जमाने का अपना सीपैक बनाया जो
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, दी ऑनरेबल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो दी ऑनरेबल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो पहुंची अकबर के दरबार में और कहा कि बादशाह सलामत, हमारे यहां साइंस ने बड़ी तरक्की की है, ये लीजिए यहां पर दूरबीन है, यहां पर खुरबीन है, यहां पर ऐनकें हैं और भी बहुत सी साइंस की बनाई हुई चीजें थी। तो अकबर ने कहा और अकबर के दरबारियों ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत खूब, हाँ हाँ अच्छी चीज है, दूरबीन से देखा, वाह वाह क्या बात है, छोटी चीजों को देखा बड़ी दिखाई दी, वाह वाह, हाँ ऐनक बहुत काम की चीज है, क्योंकि उनमें से कुछ बूढ़े हो रहे थे, ताकि इस तरह से हम किताबें बेहतर पढ़ सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 500 ऐनके 20 दूरबीने खरीदते चले गए। उसके अवज जो लड़का माल था वो जो भी होता था लेन देन वो अंग्रेज ले जाते थे, और यही होता रहा जहांगीर के जमाने में और उसके बाद भी होता रहा। लेकिन मोहलों ने कभी ये नहीं पूछा कि ये आखिर इसका जादू क्या है कि हमारी नजर ठीक हो जाती है इससे, कि दूर की चीजें नजदीक नजर आती हैं, कि छोटी चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। They did not ask, they were not curious। अब ये मोहर बहुत कमाल के लोग थे, उन्होंने बादशाही मस्जिद बनाई, उन्होंने शालीमार बाग बनाया, ताज महल बनाया, सब कुछ किया, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। इसलिए वो तजस्सुस नहीं था। अच्छा अब चलिए हम जरा ये देखते हैं कि जो इस्लाम का गोल्डन एज कहलाता है, सुनहरा दौर, जो 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक था, वो क्यों मुमकिन हो सका कि साइंस इस्लाम के अंदर कैसे दाखिल हुई, उरूज पर पहुंची और फिर जवाल पजीर हुई। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इस सवाल से निपटे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं तो हुजूर सल्लम के जमाने में साइंस तो नहीं थी, साइंस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 150 साल बाद इस्लामी तहजीब के अंदर दाखिल। उस वक्त यूनान की जो अहम किताबें थी उनका तर्जुमा हुआ अंग्रेजी अरबी में, तर्जुमे इसलिए हुए कि एक तजस्सुस था, वी वांट टू नो व्हाट इज देयर इन दिस ग्रीक लर्निंग। उसके बाद शुरू में तो सिर्फ तर्जुमे में, लेकिन उस तर्जुमे से एक भूख पैदा हुई, एक ख्वाहिश पैदा हुई कि हम मजीद जाने। अच्छा उस वक्त फिर मुसलमानों में एक नई फिक्र, एक नई सोच दाखिल हुई, वो सोच जो मोतजिला की सोच थी। मोतजिला ये कहते थे कि इस्लाम जो है वो सिर्फ अंधे यकीन पर मबनी नहीं है, इसके पीछे कोई मंतिक है, इसके पीछे अक्ल है, और अक्ल से अगर आप काम लें तो फिर आप दुनिया को समझ सकेंगे, और आप फिर जो कुछ हमें दिया गया है उसे आप इस्तेमाल में ला सकेंगे। तो फिर ये वो दौर था 400 साल पर मई, इसमें मुसलमानों ने जबरदस्त काम किया, लेकिन फिर इस सोच की मुखालिफत होने लगी और डट के मुखालिफत होने लगी, और बहुत कुछ बताने को है कि कैसे ये मुखालिफत हुई। बड़ी मुखालिफत तो इसमें हुई कि जो कुछ दुनिया में होता है इसका सबब क्या है। अब मोतज़िला ये कहते थे कि
सबब और मुसब्बब, कॉज और इफेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। जो मुखालिफ नजरिया था वो ये था कि ना ना, एक ही चीज है जो जिसकी वजह से कोई वाकया होता है या कोई चीज होती है, और वो ये कि अल्लाह खुद दाखिल होता या अपने फरिश्तों के जरिए से, एंड ही कॉजेस दैट। अब इस पे फूट पड़ गई, और वो फूट जो आज तक है। सर सैयद ने इसको कुछ ठीक करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे इसमें। चलिए बहुत लंबी बात है ये, मैं इसको मुख्तसर करके बयान करता हूं, लेकिन मैं एक दो मिसालें आपको देता हूं। तो ये इब्ने रुश्द का कहना है, इब्ने रुश्द ने अल-गज़ाली पर तंकीद करते हुए कहा कि इमाम अल-गज़ाली, आप जो कहते हैं मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता, आप ये कहते हैं कि अगर रुई को मैं माचिस लगाऊं और वो रुई जल पड़े तो आपका ये कहना है कि मेरे करने से रुई नहीं जली, ही असल में फरिश्ते आए जिन्होंने रुई को जलाया। फिर इमाम गजाली का ये कहना था कि फर्ज कीजिए कि ये एक बिलफर्ज एक तीर है, ये तीर अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा है। सो द एरो इज हियर, नाउ इट्स हियर, नाउ इट्स हियर, नाउ इट्स हियर। आप ये समझते हैं कि ये अपने हदफ पे जाके लगेगा, मगर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला हर लम्हे पर इस तीर को खत्म कर देता और अगले लम्हे पर दोबारा तीर बनाता। तो आपको यूं लगता है जैसा कि ये होने वाला है, मगर ये इसका होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि तमाम इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ। सो देर इज नो रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, इल्लत और मालूम, सबब और मुसबब, कॉज एंड इफेक्ट आर टू सेपरेट थिंग्स। अब मसला ये है, साइंस की बुनियादी यही है कि आप वजूहात जाने चंद उसूलों की बुनियाद पर, और जब इस ताल्लुक को आप यूं तोड़ते हैं तो फिर साइंस का होना नामुमकिन हो जाता है। अब यही वजह है, यही फिक्री वजह है कि पिछले 800 साल से मुसलमानों ने कुछ भी नहीं किया साइंस, जीरो, टोटल जीरो। आप देखें, मुझे एक चीज बताएं जो मुसलमानों की ईजाद है। बिजली नहीं है, एंटीबायोटिक्स नहीं है, गाड़ी नहीं है, भाप का इंजन नहीं, कुछ भी नहीं, नॉट फॉर द लास्ट 800 ईयर्स। लेकिन उससे पहले वो जो 400 साल थे, दोज गोल्डन ईयर्स, ब्रिलियंट ईयर्स, सब खत्म। अच्छा चलिए लौटते हैं अब बड़े सदी पे। तो ये अकबर बहुत अजीम बादशाह, जहांगीर, शहंशाह, उसके बाद होते 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 आखिर अंग्रेज। अच्छा मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि अंग्रेज तलवार लेकर नहीं आया था, तोप लेकर, बंदूक लेकर नहीं आया था, वो ताजिर के तौर पर आया था। उसने देखा कि अरे ये कैसे लोग हैं, इनके पास माल और दौलत बहुत है, चलो हम इनको बेचते चले जाएंगे, इनको आपस में लड़ाएंगे। और होते होते वो पूरी पूरे हिंदुस्तान में सरायत कर गए। तो जो मुगल दौर का आखिरी वक्त था, खत्म तो हुआ 1857 में, 1857 जिसमें जो खूनरेजी हुई वो कोई नहीं भूल सकता, इट वॉज द वर्स्ट पीरियड इन इंडियाज हिस्ट्री। लेकिन उससे 50 साल पहले, उसे 100 साल पहले बल्कि मैं कहूंगा कि अंग्रेज तो छा गया पूरे हिंदुस्तान, और मुगल बादशाह सिर्फ बराए नाम बादशाह थे, बराए नाम हुक्मरान थे, वो कमजोर होते 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 खत्म हो गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
पहले ऑनरेबल था ना, ऑनरेबल बाद में खत्म हो गया. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक रही, उसके बाद फिर अंग्रेज का बाजाबता राज शुरू हुआ. अब अंग्रेज को ऐसे लोग चाहिए थे जो हुकूमती निजाम चला सके, तो उन्होंने जाहिर है कि सारे बरतानिया से तो नहीं लाए जा सकते थे. ये आप ना भूलें कि जितना वक्त अंग्रेज ने हम पर हुक्मरानी की, कभी अंग्रेज की तादाद यहां 50,000 से ज्यादा ना थी, मैक्सिमम 50,000, कुछ भी नहीं. अब आप देखेंगे हमारी फौज कितनी है, कोई 7 लाख है, 700,000. कश्मीर में जो इंडिया की फौज है वो कितनी है, कुछ 6 लाख है. ह्यूज, वो सिर्फ 50,000 थे और वो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे. अब उन्हें लोग चाहिए थे, उन्होंने देखा कि कौन हमारे लिए ज्यादा हमारे लिए बेहतर काम कर सकता. मुसलमान भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, लेकिन मसला ये था कि हिंदू जल्दी सीखने के लिए तैयार था, मुसलमान के जहन में ये था कि मैं फाते हूं. अब हालांकि काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन वो सोच थी कि हम फाते हैं और ये हिंदू मफ्तू हैं, हम इनसे बेहतर और बदतर हैं. तो ठीक है, ये जो काम है ये हिंदुओं का होना चाहिए, लिखत पढ़त का, हमारा काम हुक्मरानी. लिहाजा जब 1835 में मैकाउले ने, लॉर्ड मैकाउले ने तालीमी इस्लाहात का ऐलान किया, तो उसके ऊपर एक शदीद रद्देअमल पड़ा मुसलमानों के अंदर. मैकाउले ने यह कहा कि अब तक जो हम बर्तानिया की तरफ से रकम देते आए हैं स्कूलों को, मकामी स्कूलों को, वो हम उसी सूरत में देंगे अगर उन स्कूलों में अंग्रेजी जबान राइज की जाए, उधर साइंस पढ़ाई जाए, उधर जदीद उलूम पढ़ाए जाए. अगर हिंदुओं को अपने पठशाले रखने हैं और मुसलमानों को अपने मदरसे रखने हैं तो वो रखें, मगर हम उनको फंड नहीं करेंगे. वी विल फंड ओनली दी इंग्लिश स्कूल्स एंड दोज विद मॉडर्न एजुकेशन. 8,000 उलमा ने बंगाल में इसके खिलाफ एहतजाज किया और लिख कर दिया कि हमें अंग्रेज की तालीम किसी सूरत नहीं चाहिए, हमें अंग्रेजी जबान नहीं चाहिए, हमें साइंस नहीं चाहिए, हमारे जो रिवायती तरीके हैं, हमारा जो रिवायती तालीमी निजाम है वही है जो हम चाहें. हिंदू ने कहा नहीं, आवे ही आवे, जितना जितने स्कूल बनाए हैं वो कम बनाए और दो, जितने कॉलेज बनाए हैं कम है और दो. तो अब ये रिएक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया, हिंदू इस तरफ मुसलमान इस तरफ. नतीजा ये कि जब सिविल सर्विस में भर्तियां शुरू हुई तो अंग्रेज को कोई खास ऐसा बैर नहीं था मुसलमानों के. उसने कहा कि देखो जिसको अंग्रेजी आती उसको हम रखेंगे क्लर्क के तौर पे, जिसको नहीं आती नहीं रखेंगे. नतीजा ये कि जो प्रोफेशंस थे जिसमें डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट और इंजीनियर, ये सारे के सारे 95% हिंदुओं को मिल गए और 5% मुसलमान थे, कंपीट नहीं कर सकते थे. अच्छा आप ये देख लीजिए कि जब वो जाते भी थे, जब उन अब तो कॉलेज में दाखला ही नहीं मिलता था, जब दाखला मिलता था फेल हो जाते थे. इसलिए कि जो घर की रिवायती तालीम थी वो उर्दू में थी, फारसी और अरबी में, नो इंग्लिश. अंग्रेजी से हमें नफरत थी, तो ये फर्क बढ़ता चला. अब सर सैयद का जमाना आया, सर सैयद ने
कहा कि ये मुसलमान तो पिस गए, वो तो 1857 में जो कुछ उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये तो हमारा हशर हो गया सर, अब इससे बचने का हमें कोई रास्ता निकलना। उन्होंने कहा कि देखो, जब तक मुसलमान अंग्रेजी नहीं सीखता, जब तक वो साइंस नहीं सीखता, जब तक वो जदीद उलूम की तरफ नहीं जाता, वो इसी हाल में रहे, वो बस घास काटने वाला और जो घोड़ों का साइज होता है वो ये छोटे मोटे काम कर सके, वो उसके अलावा कुछ नहीं। तो यही वजह है कि उन्होंने फिर एक साइंसी सोसाइटी बनाई जो तर्जमे करती थी, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, एक पूरी मुहिम और जगह जगह वो जाते रहे। मगर सर सैयद आटे में नमक के बराबर थे, क्योंकि बेशतर मुसलमान ये कहते थे कि नहीं, हमें अपनी रियायती। तो ये जो फर्क हुआ, और खास तौर पर रियाजी, इसने दो कौमें बैठा दी। ये फर्क बिल आखिर दो कौमों में जाहिर। और अगर आप पूछना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, इट वॉज बेसिकली दिस रीजन। अकबर इलाहाबादी जो सर सैयद के हम असर थे, उन्होंने एक मजाहिया नज़म लिखी थी, मुझे उसके अल्फाज पूरे याद नहीं, लेकिन ये लैला और मजनू के ऊपर। तो मजनू आते हैं लैला की माँ के पास, वांट्स टू मैरी हर। तो वाला कहती है, बेटा अगर कर ले तू बीए पास, तो दे दूंगी अकद में मैं तुझे अपनी लैला, छोड़ दीजिएगा। तो मजनू कहता कि बड़ी भी तुझे क्या हुआ है, कहां आशिकी, कहां कॉलेज की बकवास, हिरन पर कभी लादी जाती है घास, हूं मैं कोई हरचरण दास। हरचरण दास एक आम हिंदू का, तो ये तो हिंदुओं का काम है, देखा पड़ा बीए करना, बीएससी करना, ये हमारा काम नहीं है, हम तो हाकिम है, ये तो हरचरण दास जैसे लोगों का काम है। नाउ दैट इज व्हाट एक्चुअली क्रिएटेड टू नेशंस एंड इवेंचुअली पाकिस्तान। अब देखिए, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, इसके ऊपर बड़ी बहस हुई है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई ऐसा शख्स नहीं आया सर सैयद के अलावा जिसने इतने वाजे तौर पर यह कहा कि भाई अगर मुसलमान भाई, अगर आपको आगे निकलना है तो जाकर जदीद साइंस पढ़े, अंग्रेजी पढ़े। बहुत मजहबी आदमी थे, लेकिन इस मामले में वो बहुत कट्टर थे, कहा कि यू हैव टू मॉडर्नाइज। इसके बरक्स अल्लामा इकबाल माजी की तरफ देखे, उन्होंने कहा कि इस्लाम की अजमतें इसमें हैं कि आप तेर और तलवार लेकर निकलें और वो जो वादे आपने किए थे अल्लाह ताला से वो पूरे करें। तो शिकवा इसी के ऊपर है, उनका जो शाहीन है वो शाहीन ऊपर से जपता मारता, पलट कर झपटता पलटता है, पता नहीं क्या कुछ करता। इट इज ऑल अबाउट फाइटिंग, इट इज तेर एंड तलवार विच इज गोइंग टू रेस्क्यू द मुसलमान। टू कंप्लीटली डिफरेंट फिलोसफीज ऑफ लाइफ। अच्छा, चलिए पाकिस्तान बन गया। जब पाकिस्तान बना, एक ही यूनिवर्सिटी थी, वो जो इस फिरोजपुर रोड के उस तरफ, ओनली पंजाब यूनिवर्सिटी। और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो बेशतर टीचर थे, जो काबिल टीचर थे, वो सारे के सारे हिंदू थे, और जब 47 में तकसीम हुई वो इधर से भाग गए या उन्हें भगाया गया।
नतीजा ये कि भर्तियां करनी पड़ी। अब जो भी चलता फिरता ऐरा गैरा था उसको आपने बना दिया लेक्चरर, हो लेक्चरर से फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, फिर आखिर वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गया। अब वो जो एकेडेमिक से बिल्कुल दूर था लेकिन अब वो ऐसी गद्दी पर बैठ गया, ऐसे मसनद पर बैठ गया ये जनाब उसको कोई हिला नहीं सकता। ये एक यूनिवर्सिटी के साथ हुआ, फिर हमने और यूनिवर्सिटियां बनाई, फिर और बनाई। पाकिस्तान जब बना एक यूनिवर्सिटी थी, अब 220 225 यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें से कोई 40 45 जो है वो सरकारी हैं, बाकी निजी हैं। लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। अब मैंने शुरू ही में आपके सामने कुछ हकायक पेश किए थे कि कितने पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, कितने मैथमेटिशियंस हैं। दूसरे शोबों को भी देख लीजिए, ठीक है तादाद आपको मिलेगी। कहने को तो पाकिस्तान में शायद कोई हाले 1500 पीएचडी होंगे, 2000 पीएचडी होंगे फिजिक्स में, लेकिन किन कितनों की पहचान है आटे में नमक के बराबर? 10 15 20 शायद उससे वो भी ज्यादा मैं बता रहा हूं। तो अब हम इस जगह आप पहुंचे हैं कि जब हम ज्यादा यूनिवर्सिटियां बनाते हैं तो उनका निजाम इतना खराब है कि आप ठीक नहीं कर सकते। तो क्या रास्ता है इसमें? हमें सबसे पहले ये बात तस्लीम करनी होगी और इसे तस्लीम किए बगैर कोई रास्ता नहीं कि साइंस नीड्स ए सर्टन कल्चर। दैट कल्चर इज ऑफ रीजनिंग, ऑफ रैशनैलिटी। वो कल्चर जो काबिलियत को पहचाने, जिसमें सिर्फ काबिलियत, मेरिट अहमियत रखता, नथिंग एल्स। ये आप ना देखें कि कौन किस मजहब का है, कौन किस इलाके का है, किसका रिश्तेदार है बहुत 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 कौन किसका रिश्तेदार है। बस सिर्फ ये देखें, अ ब्लाइंड, कंप्लीटली ब्लाइंड अप्रोच यू नीड दैट विल लुक एट ओनली मेरिट। ऐसा तो नहीं होता ना। अब देखें अनगिनत मिसालें हमारे सामने हैं। अभी ये जो आतिफ मियां वाला वाकया हुआ, अच्छा इकोनॉमिस्ट है, उसको सिर्फ एक मशावरती पोजीशन दी थी इमरान खान ने, वो भी कुछ भी नहीं ना। 18 लोग हैं उस मशावरती कमेटी में, तनख्वाह भी नहीं मिलती उनको, कुछ नहीं मिलता, बस ये कि एक उनको इज्जत दी गई है। इज वन पर्सन आउट ऑफ 18 हु वुड मेक नो डिफरेंस। उस पर भी हमने ये ऑफर सामने रख के फिर जगह वापस हाथ खींच दिए। तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं अब्दुल सलाम की तो बात ही नहीं करूंगा, इसलिए कि इतना कुछ कहा गया साइंसदान है, पूरे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पूरी तारीख में 70-72 साल में, उसे हम मानते ही नहीं। यहां तक नहीं मानते, मानना क्या, मुखालिफत इस कदर ज्यादा है कि जब हमने उनको कायदे आजम यूनिवर्सिटी मधु किया था नोबेल प्राइज के बाद सन 1980 में, जियाउल हक ने उनको निशान इम्तियाज दिया था। लेकिन हमने जब उनको कायदे आजम यूनिवर्सिटी में मधु किया तो उधर जो जमीयत के स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि ये बंदा आएगा तो हम इसकी टांगे तोड़ देंगे। He didn't come। हमने पिछले 20 साल से ये कोशिश की है कि जो नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स है जो हमारे कैंपस के ऊपर है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी के कैंपस के ऊपर है, कि उसका नाम अब्दुल सलाम के साथ मंसूब किया जाए, और ये तकरीबन हो भी गया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मेरा मतलब नवाज शरीफ और ममनून हुसैन, दे साइन
ए लेटर जो भी कहते हैं उसको उस समय ऑर्डर ऑर्डर सेइंग दैट दिस विल नाउ बी नोन एज द अब्दुल सलाम सेंटर फॉर फिजिक्स. मगर जब ये ऑर्डर एनसीपी पहुंचा देखा ये तो सिविलियन है दैट इज रन बाय द एनसी बाय द एसपीडी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन दैट ऑल्सो टेल्स यू हाउ सिविल मिलिट्री रिलेशंस वर्क इन दिस कंट्री. कुछ भी नहीं हुआ और अब तो उम्मीद भी खत्म हो गई कि उसका नाम कभी अब्दुल सलाम के साथ जोड़ा जाएगा. तो ये चीजें नहीं ठीक ना. और चलिए ये तो इसलिए कि ये एक खास इन पर ये तो खास तौर पर ज़ेरे आकार है. लेकिन जो दूसरे हैं जो दूसरे मजाहब के हैं या दूसरे इलाके के हैं वो किसी दूसरे इलाके में जाना अपने आप को वो सेफ नहीं समझते. वो समझते कि वो तासुब का निशाना बनेंगे. तो इस तमाम चीज को हमें बदलना होगा इससे कबल के हम किसी भी एकेडमिक फील्ड में आगे बढ़ सकें. यूनिवर्सिटी के अंदर भी करना है हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी ये करना है. वी हैव टू हैव अ सिस्टम दैट इज बेस्ड अपॉन मेरिटोक्रेसी. जिसका मतलब फिर ये हुआ कि इसमें शफाफियत होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी. आप देख लीजिए कि कोई सा भी आप सरकारी महकमा देखें उसमें अगर आप छोटी सी चीज भी पता करना चाहते हैं वो कहते हैं जी बड़े साहब से पूछो बड़े साहब इजाजत देंगे तभी हम ये करने देंगे. मुझे याद आ रहा है कि मैं तालीम स्कूलों की हालत के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था और ये 1988 की बात है. रास्ते इल्म के एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज थी जो पीटीवी पे चली 13 किस्तें थी. तो हम स्कूल मास्टर के पास जाते थे हम कहते थे मास्टर जी बताइए आपके मसले क्या हैं आप स्कूल को किस तरह से चलाते हैं. गुफ्तगू हम करना चाह रहे थे ऑन कैमरा. वो कहता नहीं जी ये तो आप पहले आप डीईओ से पूछे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वो जब हमें इजाजत देगा तब हम बोल सकेंगे. दैट हैज टू चेंज. तो अब मुझे यकीन है कि अगर उस मास्टर ने उस स्कूल मास्टर ने कोई बात कर भी दी होती तो वो कोई उस पर कोई क्यामत ना आती. हमें अपने अंदर वो जज्बा पैदा करना होगा कि हमें इस समाज को सुधारना है. और ये हम तभी सुधार सकते हैं अगर हम बोलें जो खराबियां हम देखते हैं वो उस पर वो देखकर हम खामोश ना रहे. वी हैव टू स्पीक आउट. ये इज्तिमाई तब्दीली है ये कल्चरल तब्दीली है. दैट इज व्हाट विल एक्चुअली मेक दिस सोसाइटी मूव फॉरवर्ड. बाकी जो है कि बिल्डिंग बना लो इतना ज्यादा पैसा इसमें डाल दो और ये करो वो करो उससे नहीं. इट इज ऑल अ क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड्स. आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए जो हमारा स्कूलों का निजाम है उसमें उसको बिल्कुल तब्दील उसको बदलने की जरूरत टोटली चेंज करने की जरूरत. रिवायती जमानों में पुराने जमानों में तालीम का मतलब क्या होता है कि ऊपर से जो इल्म नाजिल हुआ है उसे हिफ्ज किया जाए और फिर उस पर जब इम्तिहान का वक्त आता है तो उसे फिर मुमतहन को बताया जाए. So it was a pure rata system. अब मसला यह है कि दौरे हाजिर में ऐसी चीज नहीं चल सकती. देखिए जो रिवायती तालीमी निजाम था बहुत अच्छा था इसलिए कि वो आपके लिए रास्ता तैयार करता है दूसरी दुनिया के लिए.
आखबत के लिए वो तैयार है। और ठीक है ये, और उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। आखिर जो 1400 साल पहले होता था सो अब भी हो, बस हमारा लिंक बेहतर से बेहतर होता जाए। मसला ये कि दौरे हाजिर में हमें और चीजें चाहिए, हमें क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, वो सोच जो तनकीदी हो, जो देखे कि सही क्या और गलत क्या है और उसके लिए हकायक हकायक की बुनियाद पे ये फैसला किया जाए। ये नहीं कि ये शख्स बहुत बड़ा है और वो उससे भी बड़ा है तो मैं उसकी बात मानूंगा और इसकी नहीं मानूंगा। नहीं, इसमें क्या, हर बच्चा हर बच्चे को अपने दिमाग से सोचने की जरूरत है, उसमें वो सलाहियत पैदा करने की जरूरत है, तभी उसमें वो तख्लीकी सलाहियतें पैदा होंगी, वो तख्लीकी सलाहियतें जो तमाम साइंस की बुनियाद है। वी आर क्रिएटिव पीपल, वी आर क्रिएटिव एनिमल्स। तो हमारे स्कूल वो नहीं करते। अगर हम अपने स्कूल का निजाम बेहतर कर सके, दुरुस्त का लफ्ज नहीं करूंगा, बेहतर कर सके, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा पूरे समाज के अंदर। चेंज एजुकेशन एंड यू विल चेंज सोसाइटी। तो बस फिर मैं अपनी बात इस पर करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर मैंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे आपके जज्बात मजरूह हुए तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक सेहतमंद बहस के लिए हमें फ्री होकर बात करनी चाहिए। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो हम बारी बारी लेना चाहेंगे। बताइए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि मोतज़िला सोच क्या थी और वो उस पूरे और वो कैसे सरायत कर सकी उस मुआशरे में। मोतज़िला सोच ये थी कि अवल तो एक मसला था, बड़ा अहम मसला था, जबर व कदर का। जबर का नजरिया यह है कि हर चीज तकदीर में लिखी है कि जो कुछ होने वाला है वो पहले से तय है, लिहाजा आप जो कुछ भी करें आप अपनी तकदीर नहीं बदल सकते। इसके बरक्स कदर की सोच है कि हम अपनी जिंदगियों पर कादिर हैं, वी कैन एक्चुअली चेंज थिंग्स अपने इस खोपड़ी के इस्तेमाल से। तो इनके दरमियान, जबर और कदर, मोतज़िला और अशरी, इनके दरमियान एक फूट पड़ी और वो बहुत बाद में बहुत उससे खून रेजियां हुई। ये सोच कैसे आम हुई उस जमाने में, यानी कि जो 400 साल का अरसा है, वो इसलिए कि रोशन ख्याल खलीफे थे और उन्होंने ये सोचा हुआ था कि इस्लाम की अजमत इसमें है कि दरबारों में हर तरह के लोग आए, उस उधर मुसलमान तो जरूर हैं लेकिन हम ईसाई और यहूदी और नसरानी और अतराफ के जितने भी
रहने वाले लोग हैं, हम सिर्फ काबिलियत को देखते हुए उनको यहाँ मधु करेंगे, वो दरबार में बैठेंगे, आपस में गुफ्तगु करेंगे, जो इल्मी गुफ्तगु करेंगे उससे जो नई सोच आएगी उस वो देख कर फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज काफी अरसा चली। तालीम के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ कि उस वक्त कोई ऐसा निज़ाम था, स्कूलों का निज़ाम था, वो तो फिर बाद में आया, निज़ामुल मुल्क के ज़माने में आया। जो साइंस के बड़े कारनामे हैं मुसलमानों के, वो इसलिए कि ऐसे जीनियसेस थे, जैसे इब्न हैशम है, जैसे अल ख्वारिज्मी है, इब्न सीना वगैरह, दे वर जीनियसेस ऑफ दैट टाइम। तो ये उनके दिमाग की तकलीफ थी। अब ये सब कुछ कैसे खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं। और देखिए, एक सोच ये कि क्योंकि बगदाद को तबाह कर दिया गया था 1258 में, तो इस वजह से सब उसके बाद टोटल खत्म हुआ। लेकिन देखें, मैं इस चीज को नहीं मान सकता। आखिर हिरोशिमा पे एटम बम गिराया गया, लेकिन वहां एक नया शहर है। सो समथिंग डीपर हैपन, दैट डीपर थिंग इज के मुलायत हम पे सवार, सीधी सी बात। सर, एक बंदे के जहन में क्या फेथ और रीजन रिकनसाइल हो सकता है कि जिस तरह अगर मैं सोचता हूँ, तो बड़ा नेचुरल सा सवाल है कि दुनिया किस तरह बनी, ये यूनिवर्स किस तरह बनी, तो या तो मैं मान लूँ कि हाँ खुदा ने बनाई और मैं वहीं रुक जाऊँ, एज इट इज मान लूँ, या फिर मैं पूछूँ अच्छा ठीक है उसने बनाई और फिर मैं फर्दर जाऊँ तो फिर वो खुद कहाँ से आ गया, उसको किसी ने बनाया तो उसको किसने बना दिया। तो मतलब ये दोनों चीज़ें एक बंदे के जहन में रिकनसाइल नहीं हो सकती, जो मतलब मुझे इस तरह लग रहा होता है। मतलब फेथ और रीजन एक दूसरे के एंटीथेसिस नहीं है कि अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी खुद ब खुद ही? बहुत ही पुराना सवाल है, मेरा ख्याल है इधर इस पर बहस करना इतना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बताऊं कि कुछ लोग हैं जो ये रिकनसाइल कर लेते हैं, जिन्होंने दो अलहदा खाने रखे हुए हैं कि इधर मेरा ईमान है, उधर मेरी अकल है, और एक ही खोपड़ी के अंदर ये दोनों चीजें उन्होंने रखी हुई हैं। थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी प्रोफेसर अब्दुल सलाम के बारे में, जिनको मैं बहुत अजीम साइंसदान मानता हूं, मैं क्या पूरी दुनिया मानती हूं। उनकी एक मजहबी सोच थी, मगर वो उस मजहबी सोच को इस तरफ रखते थे, साइंस करते वक्त साइंस ही पे अमल करते थे। उनके फॉर्मूले वही हैं जो स्टीवन वाइनबर्ग के हैं, इन दोनों को इकट्ठे नोबेल प्राइज मिला ना। वाइनबर्ग तो कहता कि मैं आई एम एन एथिस्ट, मेरा टीचर भी रहा है, और मैंने 3-4 साल पहले उनको ईमेल भी किया था कि आर यू स्टिल दैट अवाउड ज्यूइश एथिस्ट दैट यू यूज्ड टू से यू मे, यस आई एम। तो इंसानों में ये एक खूबी है, खूबी आप कह सकते हैं जो भी है, उनमें ये एक कैपेसिटी है कि इधर ये और उधर वो, हर एक में नहीं है, कुछ लोगों में जैसे वाइनबर्ग में है नहीं। जो एजुकेशन है और जो स्कूल है, सर दिस इज नॉट अ कॉज, दिस इज एन इफेक्ट। आपको जो सिंपल थ्योरी है बिल स्मिथ की, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इफ यू हैव अ फीलिंग दैट यू विल गेट रिटर्न फॉर समथिंग, तो आप मेहनत करेंगे, आप उसका करेंगे, और जिसका कैपिटल थ्योरी में सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ जाते हैं, कि इफ यू नो कि आपको फायदा है योर एजुकेशन और योर रिसर्च दैट विल लीड टू योर पर्सनल प्रॉफिट, तो आप मेहनत करेंगे। सिमिलरली बेस्ट को या अमेरिका में देयर वाज नॉट सर एनी सर सैयद, किसी सर सैयद ने नहीं उनको कहा कि भाई स्कूलों में जाओ पढ़ो लिखो सर करो, बट देयर वाज देयर इंस्टीट्यूशंस
इसकी वजह से प्रॉफिट मोटिव जो था सिंपल वर्ड्स में, जिसमें उनको हार्ड वर्क पे साइंटिफिक डेवलपमेंट और इस पे उनको मोटिवेट किया, तो सर क्या हमें उसकी जरूरत है सिस्टम से करनी? बिकॉज यू मेंशन लास्ट 800 इयर्स में मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, तो पॉइंट ये है कि मुस्लिम कंट्रीज में कहीं पर डेमोक्रेसी और प्योर कैपिटलिस्ट कल्चर भी नहीं है, तो एजुकेशन इज द कॉज और इफेक्ट के अगर आप बाकी सिस्टम से करें जहाँ पे आपको फील हो कि हमें हमारी एजुकेशन का, रिसर्च का, साइंटिफिक डेवलपमेंट का बेनिफिट मिलेगा, तो हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं पाकिस्तान के हवाले से बाद में इस पर बहस करूंगा, लेकिन आपने द प्रोटेस्टेंट एथिक बाय मैक्स वेबर का शायद सुना हो। मैक्स वेबर जो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था, उसने ये देखा, ये कोई 150 साल पहले की बात है, ये उसकी रिसर्च है, उसने ये देखा कि जितने फुर्तीले लोग हैं जो साइंस करते हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं, सनतें लगाते हैं, और जिन्होंने अमेरिका दरियाफ्त ही किया था 300 साल पहले, वो सारे के सारे प्रोटेस्टेंट हैं, जो कैथोलिक हैं वो बहुत पीछे रह गए। अच्छा, अब दोनों एक ही माहौल में रहते थे, दोनों के पास एक ही तरह की सहूलियात थी, लेकिन ये कल्चरल फर्क था। और वेबर इसी वजह से मशहूर हुआ है कि उसने बहुत डिटेल में बहुत से आदाद और शुमार के इस्तेमाल से ये साबित किया कि आखिर ये एक फिक्र है, एक सोच है, एक कल्चर है जो इन लोगों को आगे जाने देती है और बाकियों को पीछे रखती है। दोनों क्रिश्चियंस हैं मगर उनकी सोच, उनकी फिक्र में फर्क है। तो अब चलिए, आपने ये सवाल किया कि आखिर जब मुझे कोई फायदा नजर आएगा तभी मैं किसी से चलूंगा, वेल मे बी मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूं, थोड़ा सा। देख लीजिए कि एक साइंसदान वो क्यों जानना चाहता है कि कायनात की इब्तिदा कैसे हुई, या कि मरीख के अंदर क्या है, कि अतारत के कितने चांद हैं, या कि इस जिनोम से उस जिनोम के साथ क्या ताल्लुक है। उसका कोई फायदा नहीं होता, उससे कोई मशीन नहीं बनती, उससे कोई दुकान नहीं लगेगी। एंड येट ही और शी, the female scientist as much as male, वो एक इंसानी तजस्सुस है जो फिर जाहिर होता है इल्म की तलाश में। अब कुछ सोसाइटीज हैं जो इसको दबाती हैं, कुछ जो इसको आगे बढ़ाती हैं, दैट इज द कल्चरल डिफरेंस। आप हमेशा इसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, जैसा कि आपको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि यू हैव टू पुट ए वैल्यू ऑन एवरीथिंग। सर जी खवातीन को मेरा ख्याल है कभी काफी से सर आई थिंक अ ट्रू साइंस कैन नॉट बी बोर्न इन आवर सोसाइटी अंटिल सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट हैपेंस, एंड व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग दिस, एंड सेकंडली व्हाई एन एथियस्ट इज कंसीडर्ड अनफिट फॉर अ सोसाइटी? वेल I absolutely agree that the only models that we have before us of societies that have progressed scientifically and socially are those in which there has been a clear separation of state and religion, which does not mean that religion is denigrated. देखिए हमारे यहाँ जो एक secularism के नाम से सब भागते हैं वो इसलिए कि secularism को लादीनियत के हम माने ठहराया गया, लादीनियत, बेदीनियत, जबकि इसी असल माने हैं हर दीन, सारे दीन। ये रियासत का काम नहीं है कि वो इसमें दखल दे। अमेरिका लीजिए, अच्छा अमेरिका एक मजहबी रियासत है, आपको पता, इट्स वेरी रिलीजियस,
उनके डॉलर के नोट के ऊपर लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट. लेकिन जब अदालत में आप पेश होते हैं तो वही कानून आप पर लागू होगा जो किसी और मजहब या एथियस्ट के ऊपर लागू होगा. तो उस सेंस में इट इज सेक्युलर. सो इट इज अ रिलीजियस स्टेट एंड येट सेक्युलर. यही वजह है. देखिए अमेरिका आगे क्यों निकल सका, क्योंकि हर तरह के लोग वहां जा सके. खासतौर पे आप देख लें वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद तरह तरह के लोग वहां पहुंचे. उनमें स्पेनिश भी थे, यूरोपियंस हर किस्म के, हर हर मजहब के, ज्यूज बहुत सारे, एंड दे हेल्प मेक अमेरिका ग्रेट. अब ये बंदा जो इस वक्त व्हाइट हाउस में है वो सब कुछ रिवर्स कर रहा. वो कह रहा है कि तुम मुसलमान हो तुम नहीं आ सकते हो, तुम मैक्सिकन हो तुम रेपिस्ट हो. He is actually destroying America. He is destroying the foundations of America's strength. तो मुखालिफ पता नहीं ये घोड़ा ये ऊंट किस करवट बैठेगा. Yes. सर मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ. थ्रू आउट अपनी क्वालिफिकेशन में बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब का मौका मिला. मैंने हर ग्रेड के स्टूडेंट्स को पढ़ाया फ्रॉम नर्सरी टू मैट्रिकुलेशन एंड अबव. तो सर मैं जो जिस प्रोजेक्ट पे अपनी लाइफ का विजन लेके काम कर रही हूँ वो ये है सोशल साइंसेज. मैं चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो साइंस है उसको हम सोशली किस तरह से यूज कर सकते हैं. तो वो सर मैं अभी जो डिस्कशन हुई है इसके ऊपर मैं कुरानी पाक की आयत सूरह बकरा का जो है आयत नंबर 112 में मैं दो आयत की ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ फिर अपने क्वेश्चन की तरफ आती हूँ. पहली 112 आयत में लिखा है कि नो डाउट अदर पीपल विल आल्सो गो टू द पैराडाइज हु ही टर्न हिज फेस टू अल्लाह एंड ही इज सिंसियर ही विल गेट रिवॉर्ड आफ्टर रीचिंग टू हिज अल्लाह एंड दे विल नॉट बी अफ्रेड नॉर वरीड अबाउट इट. साफ वाजिया लिखा हुआ है. और दूसरे लफ्जों में दूसरी आयत है उसका उत्तर मेरे पास उर्दू में कि यहूदी कहते हैं कि जो नसरा है इनका कोई मजहब नहीं है, जबकि नसरा कहते हैं कि यहूदियों का कोई मजहब नहीं है, जबकि दोनों अहले किताब है और जो इस इलम से नावाकिफ है वो भी उनके साथ शामिल हो जाती है इस बहस में. हालांकि क़यामत के रोज फैसला किया जाएगा कि कौन किस मकसद के लिए लड़ा है. और इसका जवाब ये उसकी दूसरी आयत है 113 कुरान बकरा की और 112 दोनों आयत की ट्रांसलेशन में ये पता चलता है कि इस्लाम चूंकि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है. जब ये लॉन्च हुआ था तो कहा गया था कि टिल द एंड डे ये कंप्लीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. तो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में जैसा कि आपने पूरी अपनी डिस्कशन में बताया प्रॉब्लम क्रिएट की गई है मिसकंसेप्शन के थ्रू. तो जो वाजिया कर दिया गया है कि दीन इस्लाम जो है उसमें क्या है कि एक शख्स नेकी करता है. क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं जिस चीज पे काम कर रही हूँ कि मैं सोशल साइंसेस को मैं साइंस को कितना प्रमोट कर सकती हूँ. मैं स्टूडेंट्स के दरमियान जो आपने क्वेश्चन किया था क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करती हूँ. बट मैं जब एक स्टूडेंट्स के दरमियान क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करती हूँ किसी क्लास में तो मैं जब उसे स्किप करती हूँ तो वो बच्चे जो क्रिएटिव माइंड हो चुके होते हैं, आपको पता है क्रिएटिविटी में एरर्स भी बहुत होती हैं. हर दिमाग दूसरे दिमाग जैसा नहीं है लेकिन दूसरे लोग उसको फिर अप्रिशिएट नहीं करते, बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है. तो बाद में मुझे ये स्टेप लगता है कि मैं गलत जा रही हूँ. जैसे अभी आपने सर सैयद की बात की थी कि मैं जिन बच्चों को मैं जिनके साथ कनेक्ट होती हूँ वो थोड़ा सा उनके अंदर क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती है, बट अदर जो हमारी सोसाइटी है उसको डिस्करेज करती है. अब ऐसी सिचुएशन में मेरा क्या रोल होना चाहिए और मैं जो साइंस को प्रमोट कर रही हूँ इसलिए मैं कितना हेल्पआउट कर सकती हूँ या मुझे इसको वाइंड अप कर देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत लिबरल लेके चल रही हूँ. मैंने चाहिए आपको वाइंड अप नहीं करना चाहिए, आपको चाहिए कि दलाल क्वेश्चन है कि जब एक आप किसी माइंड के अंदर तजस्सुस पैदा करते हैं. कुरान पाक में जो सबसे ज्यादा जिक्र किया गया वो तजस्सुस है. इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ये इंसान की पहचान है. जब एक हम दूसरे इंसान के अंदर किसी तरीके से क्यूरियोसिटी इंड्यूस कर देते हैं तो फिर हम इस सोसाइटी में उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जबकि हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं है. आपने कहा कि आप बच्चों के अंदर अपने स्टूडेंट्स के अंदर तजस्सुस पैदा करती हैं, करने की कोशिश करती हैं. जिस हद तक आप कामयाब होती हैं मैं समझता हूं कि आप इस मुल्क और कौम के लिए बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं. अब ये भी होना चाहिए कि देखिए तजस्सुस तखलीकी काम जो है तखलीकी काम होता है हकायक को जानते हुए हकायक से
आगे निकलकर नए हकायक पैदा करना। तो मुझे पता नहीं सोशल साइंस का के किस शोबे से आपका ताल्लुक है, लेकिन जनरली हर शोबे में तख्लीकी काम की जगह की गुंजाइश होती है। सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने एक खास तरह की जहनीत का जिक्र किया है जिसमें हमें क्रिटिकल सोच जो है या एक न्यूट्रल सोच जो है वो जल्दी नजर नहीं आती, हालांकि हम इदारे भी बना रहे हैं, नया स्टाफ भी आ रहा है, उसके बावजूद वो जो एक न्यूट्रल सोच होनी चाहिए थी जो साइंस के लिए जरूरी है वो हमें तरक्की करती नजर नहीं आती। तो आप इसकी क्या समझते हैं कि जो हमारे रियासती हमारे बिरानी है नैरेटिव है कौमियत का है हुकूमती का है तो उनकी किस हद तक उम्र तक हो? सर इसी से रेलिवेंट फेसबुक पे भी क्वेश्चन है कि क्या हमारी सोसाइटी उस तरफ बढ़ रही है, क्या हम उस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कहा है कि क्या हम उस मंजिल की तरफ स्टार्ट किए हमने कम से कम जाना। अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान आज से 30 साल पहले 40 साल पहले एक ज्यादा खुली जगह थी, वो कदगने वो बंदिशें उस वक्त नहीं थी। अब तो यह है कि एक घुटन की फिजा हर तरफ छाई हुई है, आपको पता नहीं चलता कि अगर गलती से आपके मुंह से कोई बात निकल जाए तो आपका फिर क्या बनेगा। ऐसे ऐसे लोग इस वक्त जेल में बंद हैं जो बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, और कोई उनके लिए आवाज भी नहीं उठ। हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटियों के अंदर वैसे तो साइंस के लेक्चर कम होते हैं, लेकिन काला जादू और उसका तोड़ जब वो टॉपिक अनाउंस होता है तो जॉक पर जॉक लोग आते हैं, ऑडिटोरियम भर जाते हैं। इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग आज मौजूद हैं, दिल मेरा खुश हुआ इससे। खैर इधर तो कितने 100 60 यहाँ पे 40 अच्छा 100 हो गए, लेकिन उधर 1200 1400 लोग एक वक्त पे आ जाते काला जादू से। सर एक एक इससे पहले सर एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है कि ग्लोबल सोसाइटीज में जहाँ पे फ्यूडलिज्म है या ट्राइबल सोसाइटीज में वहाँ पे साइंटिफिक प्रोग्रेस किस तरह मुमकिन हुई है और वहाँ पे क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने रोल प्ले किया? तो ग्लोबल सोसाइटी से मतलब पाकिस्तान। ओके तो साइंसी इंकलाब का मैंने जिक्र किया जो 300 साल पहले बरपा हुआ, गैलीलियो और न्यूटन और उसके बाद डेकार्ट्स और लाइबनिट्ज़ और बहुत से और साइंसदान थे, जिससे फिर ये साबित हुआ कि हम कायनात को अपनी अक्ल की बुनियाद पे रियाजी के इस्तेमाल से समझ सकते हैं। और फिर इसकी इतनी एप्लीकेशंस हुई कि बस एक एक एक, एक धमाका सा। अब ये साइंसी सोच पूरी दुनिया में फैलती चली गई। अगर आज आप देखें तो 300 साल पहले के मुकाबले में हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। उस वक्त सिर्फ बर्तानिया में 300 साल पहले सिर्फ बर्तानिया साइंसी इंकलाब का मरकज था। अब आपको साइंस अमेरिका में, अमेरिका तो अब भी सबसे आगे है, लेकिन उसके बाद चीन, फिर इंडिया, फिर लैटिन अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना है, उन जगहों से उन मुल्कों से आपको बहुत साइंसदान मिलते हैं। अब यूरोप की इजारादारी खत्म हो गई, अब ये एक आलमी चीज बन गई है। सो दिस इज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ साइंस। और अब इंटरनेट के जमाने में कोई बहाना कि हमारे पास लाइब्रेरियां नहीं है, हमारे पास किताबें नहीं है, हर चीज आपको इंटरनेट पर मिल सकती है, जो भी आप पढ़ना चाहें। डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज आपको स्टैनफोर्ड के मिल जाएंगे, MIT के मिल जाएंगे, जिस जिस के, और लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। सर मैंने देखा है कि आप एक मसला अक्सर उजागर करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ का, यू हैव बीन एडवोकेट के पॉपुलेशन कम होनी चाहिए एट द मोमेंट।
सर जब हम पॉपुलेशन की बात, हम स्टूडेंट फेडरेशन लेट्स सपोज गवर्नमेंट कॉलेज का, सर हम जब ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं तो सर हम बात करते हैं किसानों से और छोटे मोटे तबके के लोगों से कि पॉपुलेशन कम करनी चाहिए. एट दैट मोमेंट सर हम हमारे खिलाफ एक तबका उठता है मेनली व्हील चेयर पे, और उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है किताब से कि जो बच्चा पैदा होता है दुनिया में आता है उसका रिस्क वो अपना साथ लेके आता है. सर एक ग्रास रूट लेवल पे एक किसान को हाउ टू टेल हिम के आइदर कंट्रोल योरसेल्फ या कैसे इस चीज को कम किया जाए. कंट्रोल से गेट कॉन्ट्रासेप्टिव्स. नहीं सर वो लेकिन लेकिन ये काम दलीलों से हो सकता है. आप उनको बताएं कि बताइए कि आपके दादा की कितनी जमीन थी, वो बताएगा वो उधर से लेकर उधर तक. वालिद की कितनी जमीन थी, उसकी चौथाई या पांचवा हिस्सा था. अच्छा अब तुम्हारे बच्चे की कितनी होगी, उसका 25वां हिस्सा या 30वां हिस्सा होगा. होते 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 इतनी सी जमीन रह जाएगी अगर ये जमीन खानदान के अंदर ही रही. अच्छा चलिए वो कहेगा फिर भी मैं गुजर बसर कर लूंगा, शहर चला जाऊंगा, नौकरी ढूंढ लूंगा. उसे फिर आप ये सवाल करें कि देखिए पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त आबादी 2.8 करोड़ थी. मैं सिर्फ मगरबी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, इस पाकिस्तान अब वो 220 मिलियन हो गई, 22 करोड़ हो गई. 2050 में वो 45 करोड़ हो जाएगी और 150 साल के अंदर पाकिस्तान की आबादी इसी रफ्तार पे अगर बढ़ती रही तो इतनी जगह भी नहीं होगी कि आप अपना हाथ यूं फैला सके. This is called the law of geometric progressions. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करते 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 doubling time. हमारा 25 साल है. 150 साल के बाद there will not be space to spread out your hands. तो आप किसान को यू समझाएं, शायद समझ जाए. इसमें ये है कि तरबियत बच्चे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिसको आप दुनिया में लेके आप, सिर्फ रिजल्ट का मामला नहीं है कि खाना पीना और ये चीजें, इसके अलावा बहुत सी चीजें जो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको इंसान बनाना, उनकी हर तरह की तरबियत, जैसे हम साइंस कह रहे हैं ये भी सिखाना, ये माँ बाप का ही जिम्मेदारी ना, वो तो आ गया. तो अब ये तो सब कुछ आपके जिम्मे है कि आपने उसको क्या बनाना है और किस तरह से बनाना है और कैसे वो चीजें उसको देनी है, उसके अंदर इनकलकेट करनी है. तो ये सारी जिम्मेदारी अगर वो बंदा लेता है तो उसे दुनिया में लेके आए, वरना मार्सिट कर ले जैसे सर ने क्या कुछ और कर. ईरान में उधर के मौलवियों ने पता नहीं क्या क्या दलाइल इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उधर फैमिली प्लानिंग पर कोई एतराज नहीं करता, बल्कि दिस इज पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रोपेगेंडा कि बच्चे कम पैदा करते. सर आपने मेंशन की थी जी मैं सर इसके बाद सर आपने बताया कि साइंस जो है तर्ज फिक्र का नाम है, लेकिन सर हमारी एग्जिस्टिंग कल्चर जो है इसको इसमें जो साइंस जो है ना ये तर्ज फिक्र प्रिवेल नहीं करता. तो आपने बताया बहुत से जो जो इसको सर्वाइव रखना चाहते हैं वो भी मुश्किलात में फंसे जो रैशनल थिंकर है. सर मैं पूछना चाहता हूँ कि एक इंडिविजुअल इस तर्ज फिक्र को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर किस तरह पॉलिश कर सकता है या किस तरह ग्रूम कर सकता है, आप अपनी लाइफ से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं क्योंकि आप भी इसी कल्चर में रहे, तो आपने ये तर्ज फिक्र किस तरह अपनी पर्सनैलिटी में. मेरा ख्याल है जब इंसान पढ़ता है, अच्छी किताबें पढ़ता है और ऐसी किताबें जो जो रीज़न पर मबनी हैं, तो फिर कुदरती तौर पर ऐसी फिक्र उसके अंदर आ जाती है. अब देखिए ये मसला सिर्फ साइंस का नहीं है, ये नहीं कि यहाँ साइंसी इजादात नहीं हो रही हैं, देखिए एक रवैया ऐसा बना है जो इंतहाई गैर साइंसी है. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ.
आज से कोई 10 साल पहले यहाँ 7-8 साल पहले यहाँ तकरीबन हर गाड़ी लाहौर में सीएनजी पर चलती थी। सीएनजी सस्ती है, धुआं नहीं निकलता और हर एक ने टंकियां गैस टैंक्स लगवाई थी। उस वक्त किट 25,000 का मिलता था, गैस सिलेंडर और जी मैंने अपनी गाड़ी में भी लगाया। अच्छा ठीक है, 3-4 साल तक मजे उठाए उसके, फिर एक दिन पता चला कि सीएनजी की लाइन इतनी लंबी है कि आप वो लंबी होती चली गई होती चली गई, फिर आखिर एक दिन सीएनजी खत्म। अब जिन लोगों ने 25-25,000 के ये गैस किट लगाए थे, सिलेंडर खरीदे थे, जिन लोगों ने सरमाया लगाया था गैस स्टेशन बनाने पर, वो सारे परेशान हो गए उसके बाद। अच्छा अब क्योंकि हम साइंसी सोच में ये कि आप मुस्तकबिल का सोचते हैं, पेशेंट गोई करते हैं, आप कहते हैं कि मार्केट इतनी सीएनजी इस वक्त दस्तयाब है, इतनी सीएनजी आगे मिल सकती है, चलो हिसाब लगाओ। कुछ बुनियादी इकोनॉमिक्स के उसूल हैं, उस पर आप अमल करते हुए आप पेशेंट गोई कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में सीएनजी की क्या सुविधा है। ये नहीं किया गया, बस ये इंशाल्लाह कोई फिक्र नहीं, इंशाल्लाह पे हमने छोड़ दिया, अब पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना था, आपने गजाली का जिक्र किया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कितना सिंपलिस्टिक है जनरली जो मुसलमानों के जो साइंसी दौर की साइंस में नजुली का सारा मलबा अल गजाली पे जो डाल दिया जाता है कि 300 साल में साइंस ने तरक्की की और फिर एक बंदे की वजह से वो साइंस जो है वो सारी की सारी हो गई, वो कितना सिंपलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरा ये कि इसमें ये बेसिकली पीरियड इनसाइड जो है ये आता है अब्बासी खिलाफत की जवाल का भी, जब ये साइंस जो है ये खत्म होती है और उसके बाद ऑटोमन और फातिमियत जो है वो, तो वो कितना रिलेशन है जो सेंटर ऑफ पावर जो ईरान से शिफ्ट होके टर्की की तरफ और दोबारा अरेबिया की तरफ चला गया था, उसका कितना इसमें अमल दखल है साइंस की तरफ। और दूसरा ये कि ईरान की मिसाल अभी आपने दी है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा है कि ईरानी मुझे केमिस्ट्री में भी नजर आए थे, प्रोफेसर फिजिक्स में भी नजर आए थे, और अभी हालिया उन्हें एक फील्ड प्राइज भी मिला, फील्ड अवार्ड भी एक ईरानी नयाद औरत को जो है मिला, फौत हो गई। हाँ तो क्या वहाँ पे चीजें कुछ मुख्तलिफ हैं बाकी मुस्लिम दुनिया के मुकाबले? बहुत अच्छे सवाल हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि साइंस के तनजुली का सारा मलबा एक शख्स के ऊपर डाला जाता है, इमाम गजाली पे, मगर मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है। उस जमाने में मुझे लगता है कि एक अमूमी तब्दीली हुई, सिर्फ एक शख्स की वजह से नहीं, लेकिन एक मुख्तलिफ किस्म का माहौल बना, वो माहौल जो आज भी मौजूद है। गजाली, इमाम गजाली की का मुद्दा ये था कि आप अपनी अकल पे भरोसा नहीं कर सकते, जो हदीस में है जो कुरान पाक में है उससे आगे आप जा नहीं सकते। अभी एक वाकया हुआ, ये कॉम्सटेक में एक बड़ी मीटिंग थी, उन्होंने मुझसे बोलने को कहा, तो जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया, मैं समझता हूँ कि साइंस की तरक्की इसी में हो सकती है कि इन दोनों को अलहदा रखा, लेकिन वहाँ एक सेक्रेटरी साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है, सारी साइंस कुरान और हदीस में है। और फिर उन्होंने मुझे मिसाल दी, उन्होंने कहा कि रसूल पाक ने ये फरमाया कि अगर एक कुत्ते ने किसी बर्तन में से कुछ खाया हो, उसे चाटा हो, तो अगर आप उसको 13 दफा धो दें, जी 7 दफा धोए, 7 उन्होंने 13 कहा तो वो उसकी नापाकी दूर हो जाए, वो पाक हो जाए। अब देखिए मेरे लिए बड़ा ये एक
मुश्किल मसला पैदा होता है। एक तो ये कि मुझे पता नहीं कि हदीस मुस्तनद है कि ज़ईफ है। हदीस पाक में आता है कि अगर कुत्ते ने किसी बर्तन में हाथ डाला तो उसको 7 दफा धोया जाए और 7वीं दफा मिट्टी के साथ धोया जाए। इदा वला कलकंतु कि इना अहदकुम फलियगसिलहु सबअन व आखिरहु बितुराब। कि कुत्ता अगर किसी बर्तन में हाथ मुंह डालता है उसका ड्राप लग जाता है बर्तन को, तो उसको 7 दफा धोए और 7वीं दफा मिट्टी के साथ धोए। और फिर साइंसदानों ने उन्होंने इस पर रिसर्च भी की है कि उसके जो ड्राप वगैरह है उसमें जो जरासीम है उसको मिट्टी की धो सकती है। तो ये भी सर। अच्छा, सेक्रेटरी साहब ने यही बात की जो आपने अभी की है, लेकिन उन्होंने 13 दफा कहा और उन्होंने मिट्टी का जिक्र नहीं किया। अब देखिए, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि उस वो पानी गर्म था कि ठंडा था, कि मिट्टी किस किस्म की थी। मिट्टी मिट्टी में बहुत फर्क होता है। फिर मुझे ये नहीं पता कि बैक्टीरिया काउंट कितना होना चाहिए, हाउ मेनी पार्ट्स पर मिलियन। लिहाजा साइंसी एतबार से मैं ये नहीं कह सकता कि ये बात सही है कि गलत है, क्योंकि जब तक वो कंडीशंस सामने ना हो आप कैसे कहेंगे। तो ये सिर्फ ईमान की बात होकर रह जाती। अच्छा, आपने आगे ये पूछा कि ईरान में हालात क्यों मुख्तलिफ हैं, और उस जमाने में 1150 के लगभग की बात आप कर रहे हैं। नहीं, इमाम गजाली। तो ईरानियों का ये कहना है कि इस्लाम तो बाद में आया, पहले हमारा यहाँ पर्शियन कल्चर था और लिखत पढ़त बहुत होती है ईरान में। मैं अरब में जहाँ जहाँ जाता हूँ तो उधर पढ़ते लिखते नहीं है लोग, उधर बहुत पढ़ते, ईरान में बहुत पढ़ते हैं। और यही वजह है कि मुसलमान मुल्कों में दो मुल्क हैं जिनमें आपको कहीं कहीं साइंस दिखाई देती है, एक ईरान है और एक तुर्की है। उनके स्टूडेंट्स भी आपको अमेरिका की यूनिवर्सिटी में मिलेंगे और उनके उधर से प्रोफेसर भी नज़र आते हैं। सो अगेन यू सी, दिस इज कल्चर। बार बार हम इसी पे आते हैं, इट इज कल्चर दैट मैटर्स। एक आखिरी बात इस सिलसिले देखिए, मैं जब कहता हूँ कि कल्चर मैटर्स, इसका मतलब ये नहीं कि कल्चर कोई साकित और जामिद चीज़ है कि ये कभी नहीं बदलेगी। कल्चर बदलता है, उसे बदला जा सकता है। वी चेंज कल्चर। सर, अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर में अब जो पब्लिक स्कूल था उसके अंदर उन्होंने बड़े शौक से लिखा है जी देखिए हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, हम हुकूमत ने ये लैपटॉप्स और टैबलेट्स दिए, इससे हम नोट्स सिखाएंगे। बट दे वर स्टिल पैक्ड, उनको पेपर अभी नहीं उतारा, वो साथ ऐसे रखे हुए। और द टीचर वाज मोर हैप्पी टू शो अस कि देखिए जी मेरे स्टूडेंट्स सर वैसे राइटिंग इतनी अच्छी है। सो आई एग्री विद यू देयर कि टेक्नोलॉजी डज नॉट मीन कि आपकी साइंटिफिक एबिलिटीज या क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर कोई चेंज आएगा। वी नीड टू डू समथिंग एल्स अबाउट दैट। सेकंडली, सर, जब हम नैरेटिव की बात करते हैं तो आई विजिटेड द नेशनल मॉन्यूमेंट इन इस्लामाबाद, वहाँ पे म्यूजियम है, यहाँ पे आर्की म्यूजियम है लाहौर में, और नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ कुल्ला है ग्रेटर बाग। इन तीनों के अंदर जहाँ पे भी हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मेकिंग, तो लिखा था जी अंग्रेज आया और काबिज हो गया, एंड देन हमने बड़ी जद्दोजहद की 95% ऑफ दी फ्लोर स्पेस विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स के जी हमने 4 साल 10 साल में हमारा बदली है ये कम लेके बदली है। तो अब जब तक हम इस बात को देख ही नहीं करते कि जी वो आए थे, यस ये हमारी खामियां थी तो इस वजह से हमारे ऊपर आए हैं, उसको डिस्कस ही नहीं करते तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो उसको भी रियलाइज करना चाहिए कि जी देखो आए थे हम लोग, अभी उनकी बिल्डिंग में बैठ के सारे अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं, बट वी वोंट गिव देम द ड्यू आइडिया कि जी उनकी दी हुई चीजें को भी हम यूज कर रहे हैं। तो डू वी नीड टू चेंज दैट एज वेल टू मूव फॉरवर्ड। यू हैव आंसर्ड योर ओन क्वेश्चन। यस, ऑफ कोर्स। यू सी, ट्रूथ, ट्रूथ इज व्हाट एनी सस्टेनेबल कल्चर मस्ट बी बेस्ड ऑन। अगर हम झूठ बोलते रहे ना, अपने बच्चों को हम झूठ पढ़ाते हैं इतना ज्यादा कि मैं देहा तकलीफ होती है। अब देखिए, हम उनको बताते हैं कि बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया इसलिए कि एक बड़ी साजिश थी, उस साजिश से हमारा मुल्क टूट गया। भाई अगर साजिश थी और
एक्चुअली सिर्फ ये इंडिया की शरारत थी, तो अभी आप जाकर उनसे पूछें कि क्यों भाई नाराजगी आपकी क्यों थी, वो आपको बताएंगे क्यों थी वो, और जब बताएंगे तो आप में वो सुनने की बर्दाश्त होनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में साइंस की, कि जहां पे लाइक वी हैव टू पब्लिश ह्यूज नंबर ऑफ आर्टिकल्स ताकि हम जो है वो चाहे उसका डाटा फेक है या वो नहीं है, आपने वो काम किया है या नहीं किया, तो तभी आपको प्रमोशन भी मिलेगी, तभी आप आगे भी आओगे, और जब तक आपके पास आर्ट प्रमोशन या पोजीशन नहीं होती आप खुद से कोई रिसर्च तो करते नहीं, कर नहीं सकते। तो वहाँ पे या इस ऐसी पोजिशन पे क्यूरियोसिटी या उसको हम कितना एक इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, उसकी क्या जो पब्लिकेशंस की आपने बात की, खैर दुखती रखा जब मैंने कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, उस वक्त नाम इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी था, 73 की बात, 75 में कायदे आजम यूनिवर्सिटी हुई, तो उस वक्त लेक्चरर बनने के लिए कोई पब्लिकेशन की जरूरत नहीं थी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई नहीं थी, एसोसिएट के लिए 5, फुल प्रोफेसर के लिए 12। प्रमोशन आपकी वक्त के हिसाब से होती थी, जैसे जैसे आपके बाल सफेद होते थे वैसे वैसे आप ऊपर जाते थे, बहुत बुरा सिस्टम था, इसलिए कि उसमें बस बंदा बैठा रहे उसकी तरक्की होती चली जाएगी, कोई काम ना करे। फिर 2002 में ये सिलसिला, ये पूरा निज़ाम बदल गया, फिर ये हुआ कि आपको हर पेपर के उस जमाने में 60,000 रुपये मिलते, 60,000 रुपये तो आपकी तनख्वाह से भी ज़्यादा होता है, अगर को ऑथर हो तो 30 मिलते। ये चीज़ फिर फैल गई, PhDs धड़ाधड़ भर्ती होने लगे। अब उसके बाद पेपर्स की तादाद तो बहुत बढ़ गई, अब ऐसे है कि जो PhD कर रहा है हमारे डिपार्टमेंट में, एक स्टूडेंट के तो 25 पेपर्स हैं PhD के दौरान, यानी कि जो फुल प्रोफेसर के लिए चाहिए था उस जमाने में उससे 2 गुना ज्यादा। मगर क्या उन पर्चों के अंदर कुछ माल है कि नहीं, कोई तहकीक हुई है कि नहीं, अक्सर उपेक्षित, और इससे बहुत एक खराबी पैदा हुई है कि बहुत कि नए लोगों में वो जो अपने मजमून से मुखलिस हैं वो बहुत बददिल हुए, वो कहते हैं कि हमें मेहनत करने की, असल साइंस करने की क्या जरूरत है, ये लोग तो हमें पीछे छोड़ के जा रहे हैं, और फिर बाज उनमें से उसी गंदे काम में शामिल हो जाते हैं। पॉसिबल ही नहीं रहा आगे फिजिक्स और ये सब्जेक्ट को परसू करना, तो आप कोई डायरेक्शन या कोई रास्ता हम लोगों के लिए? मैं ये नहीं कहूंगा कि नामुमकिन है, मुश्किल तो जरूर है, मगर पिछले जमानों के मुकाबले में अब एक चीज हमारे पास है, पहले नहीं थी, और वो है इंटरनेट। अब आप दुनिया के बेहतरीन कोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं, बाज तो मुफ्त होते हैं, बाज में आपको थोड़ा सा कुछ देना पड़ता है, जो कोई सा भी मजमून सीरियसली पढ़ना चाहे, मेरा ख्याल है कि डिपेंड करता है उसका लेवल क्या है, क्या उम्र है उसकी, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है कि आप अपने आप को इस लेवल पे पहुंचा सकें कि फिर आपको बाहर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मुमकिन हो जाए। अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन पाकिस्तान के बाहर हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव होती हैं, लेकिन उस कॉम्पिटिशन में फिर आप शामिल हो सकते हैं अगर आपने अपना लेवल ऊँचा किया। सर मेरा छोटा भाई और वो A-levels में ए स्टार देने के बावजूद वो बहुत इंटरेस्टेड था फिजिक्स में, लेकिन वो फोर्स कर दिया गया कि तुम लम्स जाओ और BBA पढ़ो और बिजनेस पढ़ो क्योंकि और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है।
ये फिर आपके वालदैन को समझाना पड़ेगा कि अगर ये वाकई बहुत ब्रिलियंट लड़का है तो फिर इसको वो पढ़ने दीजिए जो उसका दिल चाहता है और जिसमें वो अपना कमाल दिखा सकता। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे कैसे जाहिर है पाकिस्तान में। एक बच्चा है 12 साल का, कराची में है, उसने अपने तौर पर ये इंटरनेट से कोर्सेज डाउनलोड करके कैलकुलस फिजिक्स जो मैथमेटिक्स का मजमून है कि उस लेवल पे पहुंचा है जो मैं 20 साल की उम्र में पहुंचा। ये 12 साल का वो 20। अब ये क्या कमाल पैदा कर सकता है, क्या दिमाग है इसका। मैं समझा कि ये तो मैंने उसको टेस्ट किया है, मैंने उसको बहुत से मुश्किल प्रॉब्लम्स दिए हैं हल करने को। ही इज डूइंग ऑल ऑफ दैट। अब मैं सोच रहा हूं कि वो 13 साल का होगा तो फिर क्या होगा। दो और ओके, क्या साइंस को फलसफे की जरूरत है? आई वुड से फॉर 99.9% ऑफ फिजिसिस्ट फलसफे की जरूरत नहीं है। साइंस ने अपना एक इतना मोमेंटम बनाया है, उसका अपना एक इतना जोर है कि अब हमें फलसफियों की जरूरत नहीं है। अलावा चंद ऐसे जो बड़े गहरे मुश्किल सवाल हैं जैसे प्री बिग बैंग कॉस्मोलॉजी, तो उधर क्योंकि फिजिक्स की इतनी ताकत नहीं है कि वहाँ अब तक पहुँच सके किसी रिलायबल तरीके से, तो फिलॉसफी की उधर शायद ज़रूरत पड़े। लेकिन मॉरल फिलॉसफी, अब देखिए इंसान, अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स का खेल इतनी अच्छी तरह से सीख चुका है कि अब हम मोलिकुलर लेवल पर जाकर अपने जीन्स में रद्दबदल कर सकते हैं और तरह तरह के ऐसे नए जानदार बना सकते हैं और इंसान की नई नस्लें तैयार कर सकते हैं ऐसी जो पहले कभी वजूद नहीं रहती। प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि वो मस्नूई ज़हानत जो हम कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं वो अब भी इस लेवल पे नहीं है कि वो इंसान का मुकाबला कर सके, बल्कि बहुत नीचे है। लेकिन अब आप देख लीजिए, आप गूगल इस्तेमाल करते हैं ना, सभी करते हैं, आपने उसमें सिर्फ दो हर्फ डाले, उसने पहले से भांप लिया कि आप ढूंढना क्या चाहते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज है, इंटेलिजेंस है, इट इज ऑलरेडी गेसिंग व्हाट यू वांट। इससे आगे अब देखिए शतरंज में वो इंसानों को हरा देते, नाउ देयर इज नो चेस चैंपियन, और ये बहुत एक 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 जहन का बड़ा इम्तिहान होता है, उसमें इंसानों को हरा दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां तक पहुंचेगी कोई बता नहीं सकता, लेकिन दिस इज वेयर फिलॉसफी शुड कम। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी जी, और पढ़ के मुझे बड़ा दुख हुआ जो आपने इसमें बातें की कि अनविच आर ट्रू, कि एक जिस तरह और माफियाज ने इस मुल्क को कर लिया उसमें फैसल माफिया भी है, और एक रिसर्च क्वालिटी बट क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी उस चीज़ को अफेक्ट करती है, वो क्वेश्चनिंग नहीं इंकरेज करते क्लास में, क्यूरियोसिटी नहीं करते, उनका हम्बल एटीट्यूड नहीं होता स्टूडेंट्स की तरफ, पैशनेट नहीं होते टीचर के बारे में। इसका क्या इलाज है, बिकॉज ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को दीमक की तरह खा रहा है। इलाज इसका ये हो सकता है कि आप टीचरों की भर्ती करने से पहले उनका सब्जेक्ट का इम्तहान लें
और ऐसा इम्तिहान जो वाकई ये टेस्ट करे कि वो अपने अपने सब्जेक्ट पर उबूर रखता है, उबूर अगर नहीं तो कम से कम एक लेवल तक वो है कि नहीं, इसको खुला शफाफ रखें। और इसको देखिए जो टेस्ट लेने वाले हैं वो दे शुड बी बियॉन्ड सस्पिशन, ये ना हो कि जैसे हमारे यहाँ NTS होता था, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, जिसके सवाल स्टूडेंट्स के लिए, वो तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए था, लेकिन उसका मेयार इतना गिरा हुआ, उसके अंदर हर मुमकिन खराबी मौजूद थी और आखिर में अखाले वो ख़त्म भी हो गया। मेरा ख्याल ये है कि अगर हमें अपनी यूनिवर्सिटियों को बेहतर करना है तो जो नए टीचर्स हैं उनको किसी ऐसे एग्जामिनेशन सिस्टम के थ्रू करना होगा जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, मसलन GRE है जो प्रिंसटन अमेरिका से एडमिनिस्टर होता, मसला ये कि आपके पास कोई यार्डस्टिक होनी चाहिए, कोई मेयार होना चाहिए जिससे आप नाप सके, अगर कोई फुट्टे को इतना छोटा कर दे तो फिर वो पैमाइश गलत हो जाती है, सो यू नीड करेक्ट यार्डस्टिक्स। और भी बहुत कुछ है लेकिन मेरा ख्याल है अब जी सर ठीक है। मुझे अभी तक ये नहीं पता लग सका कि साइंस को हम पाकिस्तान में जिंदा कैसे कर सकते हैं दोबारा कभी जिंदा कैसे कर सकते हैं। मुख्तसर ये मजहबी तासुब खत्म करें, शफाफियत इंस्टीट्यूशंस में लाएं और वो करें जो नॉर्मल मुल्कों में होता है, कोई इसमें नो 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 इस बात से मैं इतफाक नहीं करूंगा कि अगर आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ें तो आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म होगी कि पढ़ने से क्रिएटिविटी ख़त्म होती, ऑन द कॉन्ट्ररी मैं समझता हूं कि असल क्रिएटिविटी वो है जिसमें एक शख्स जानते हुए कि उस मजमून में क्या कुछ है उससे वो आगे निकल सके, एक्सटेंडेड उसमें तौसी करें, तो क्रिएटिविटी उसको आगे बढ़ाने में आती है, ये नहीं कि अनछंट अपनी तरफ से गाड़ लिया, ऐसा होता है बहुत। मसलन ये कल परसों ही की बात है, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा सर मैंने आइंस्टाइन की थ्योरी को उड़ा दी। मैंने कहा भाई तुमने कैलकुलस पढ़ी है, तुमने उसकी कोई जरूरत नहीं, जो किताबें हैं रिलेटिविटी की उनको समझा उसकी भी जरूरत नहीं, मगर थैंक यू सो मच सर, इट्स एन ऑनर दैट आप यहाँ पे आए, बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही है। हमारा जो लास्ट सेशन होगा इस सीरीज का वो नेक्स्ट सैटरडे को है, जो कमिंग सैटरडे 29 को, उसमें फहीम साहब हमें बताएंगे और डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे कि म्यूजिक को हम थेरेपी के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। सो आई एक्सपेक्ट कि आप दोबारा सारे इसी टाइम पे तशरीफ लाएं और उसके लिए अटेंड करें। थैंक यू।